अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि चाइनीज़ कॉलर जो है कैसे बनाना है। तो चाइनीज़ कॉलर बनाने के लिए मैं आपको तीन मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी कि किस तरह तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से चाइनीज़ कॉलर लगाया जा सकता है। इसका फर्स्ट स्टेप सब तरीक़ों के लिए सेम है, जिसमें हम एक जो इसकी पट्टी बनाएंगे जो हमने लगानी है। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया, फैब्रिक जो है तकरीबन मेरा डबल फोल्ड किया हुआ है इसको, और 1 इंच जो है इसकी चौड़ाई रख के मैंने आगे इसके जगह रखी है, सिलाई के लिए जगह रखी है, रखा है कपड़ा। तो इसी तरह मैंने ये बुकरम की कटिंग कर लेनी है साथ इसके। बुकरम जो है वो मैंने 1 इंच जो है वो उसका जो है उसकी चौड़ाई रखी है। जितना आपने चौड़ा कॉलर रखना है बुकरम सिर्फ आपने उतना ही रखना है। और बुकरम काटते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो बुकरम आप काटो वो हमेशा चौड़ाई के रुख काटो। ये जो आपका होता है जेपी होती है इसको आप देखें, लंबाई के रुख इसमें लचक नहीं होती बिल्कुल भी, ये लंबाई का रुख है इसमें बिल्कुल लचक नहीं, और ये चौड़ाई वाली साइड पर जो है वो लचक होती है, इसलिए हमेशा आपने चौड़ाई वाली साइड पर काटना है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, तो वरना जिसमें थोड़ा वरना कर्व बनाते हुए ना इसमें मुश्किल होती है अगर आप लंबाई के रुख आपने बनाया। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया, कपड़े की आपने लंबाई उतनी रखनी है, मैंने 40 इंच तकरीबन इसकी रखी है। अब ये जो मैंने चेपे की कटिंग की थी इसको कपड़े के इधर बिल्कुल दरमियान में रख के हम इस तरीके से अच्छी तरह चिपका लेंगे, बिल्कुल इस तरह अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी इस कपड़े के अंदर बल ना हो, इस तरीके करते हुए आपने ख्याल रखना है। ये मैंने इसको इस तरीके के साथ चिपका लिया। अब हम इस पट्टी का जो है वो सेंटर मार्क कर लेंगे, हाफ कर लेंगे इसको लेंथ वाइज। ये मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया, यहाँ से हमने जो है वो लगाना शुरू करनी है पट्टी तरीके, क्योंकि ये मिडल पार्ट है इसका, ये बैक कॉलर की मिड में आएगा। अब यहाँ से जहाँ से आपने मिड मार्क किया वहाँ से आप 3 इंच के ऊपर निशान लगाएं। यहाँ से मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगा लिया। इसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह आपने शेप जो है वो बनानी है। इसी तरह डबल पट्टी को हमने 3 इंच पर निशान लगाकर इसको डबल पट्टी को ही हमने फोल्ड कर देना है, इस तरह वी शेप बना देनी है नीचे को। यहाँ से 3 इंच पर फोल्ड किया और नीचे को वी शेप बना दी। ये सीधे कपड़े के ऊपर लगाई हुई पट्टी है इसलिए इसकी वी शेप जो है वो थोड़ी मतलब इसमें बल आएंगे, इसलिए इसको ना अच्छी तरह शेप बना के इसको अच्छी तरह प्रेस कर ले। इसमें थोड़ी सी लचक होती है इससे वो अच्छी शेप बन जाएगी उसकी, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह प्रेस से इसकी थोड़ी शेप ड्रॉ बनाएं ताकि फिर जब इसको लगाते हैं हम इस कपड़े के ऊपर फिर इसके अंदर बल नहीं पड़ते। नीचे से बिल्कुल सीधी और यहाँ 7.5 इंच तक की वी बनाई है मैंने, 7.5 इंच तक ये वी का कर्व है, उसके बाद नीचे से सीधी है। अब इसके बाद जो बुकरम के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर इसको और प्रेस कर देंगे दोनों साइडों से, जिस साइड पे बुकरम नहीं है उस साइड से भी और दूसरी साइड से अच्छी तरह प्रेस से इसको अंदर फोल्ड करके इसको बना लेंगे हम। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह इसको प्रेस कर दिया और ये जो है इसका शेप इसकी हमने जो बनाई थी वो है, नीचे से सीधी और वो 7.5 इंच तक जो है वो कर वी शेप। ये 7.5 इंच पे हम निशान भी लगा लेंगे ताकि हमें आसानी रहे मार्क करने में, गले की कटिंग करने में। ये मैंने निशान लिया लगा लिया। अब इसी शेप का जो गला है वो हम इसकी शर्ट के ऊपर कट कर लेंगे। ये मैंने शर्ट ले लिया, ये शर्ट का फ्रंट है और ये फ्रंट के ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग करूँगी। और इसको मैंने उल्टा बिछाया हुआ है शर्ट को, मैंने इनर जो इसकी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है। और इसकी कटिंग करते हुए आपने अगर इसकी अच्छी शेप इसकी कटिंग मतलब शर्ट की कटिंग कट हुई होगी तो आपका जो है वो कॉलर बहुत अच्छा बनेगा, उसके ऊपर जो कोई भी बल नहीं आएगा। तो ये मैंने शर्ट के ऊपर बिल्कुल बिछा लिए पट्टी जो है सेंटर से शुरू करके, और इसकी जहाँ तक आपने लगानी है वहाँ तक आप निशान लगा लें जहाँ तक आपकी आनी। यहाँ पर निशान लगा कर छोटा सा पीस जो है वो बुकरम का या जेपी का इसके ऊपर लगा लें ताकि यहाँ आपको जो है यहाँ पे फिनिश लाइन होगी तो यहाँ से अगर कटिंग करने हमने स्टार्ट करनी है, वरना इस यहाँ नीट लुक के लिए हमने यहाँ छोटा सा पीस हमने इसका लगा लेना है और बैक साइड के ऊपर लगाना है शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर। ये मैं अभी लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बिल्कुल सेंटर के अंदर इसका बुकरम का पीस लगा लिया और ये इस तरह इसकी जो है शेप बनेगी, ऊपर से वी की तरह बैंड की तरह का और नीचे से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई पट्टी। ये नीचे से पट्टी जो है वो 1 इंच जो है वो सिर्फ चौड़ाई होगी इसकी। और इसकी कटिंग करते हुए दरमियान से आपने ख्याल रखना है, यहाँ से मैं इसका 2 सूत्र सिर्फ कटिंग करूँगी, जो 2 सूत्र कटिंग करूँगी वो डबल हो शर्ट डबल है इसलिए 1/2 इंच वो बन जाएगी और बाकी जो 1 इंच पट्टी नीचे से होगी बाकी 1/2 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है। ये मैं सिर्फ 2 सूत्र यहाँ से निशान लगाऊंगी जहाँ तक 1/2 इंच से भी 1/2 का निशान, क्योंकि जब इसको हम खोलेंगे ना तो ये 1/2 इंच बन जाएगा और 1/2 इंच जो बाकी मार्किंग में सिलाई में आ जाएगा, तो इसलिए पूरी 1 इंच जो है वो पट्टी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। यहाँ से इस तरह फोल्ड करके दोबारा इसके ऊपर रख के इसकी शेप ड्रॉ कर लें
नीचे से आपने बस ये ध्यान रखना कि ज़्यादा आपका ज़्यादा कटिंग कर लेंगे तो इस खुला हो जाएगा और फिर पट्टी इसके अंदर पूरी नहीं आएगी। ये इस तरह इसके ऊपर रख के शेप इसके ऊपर निशान लगा ले, 7.5 इंच तक जो है वो आपका गला ओपन होगा, उसके बाद ओवरलैप करती हुई पट्टी। यहाँ से मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह इसके साथ साथ मार्क कर लें और इसी निशान को ज़रा सा इसको डार्क करके इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ इसके ऊपर। और ये ऊपर से जो है वो मैं 3 इंच इसको मैंने 3 इंच का खुला है गला, ये देख लें। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने ये बुकरम लगाया था वहाँ पे हम दे जो है वहाँ पे ये ट्रायंगल की तरह का कट निशान बनाएंगे। यहाँ से इस तरह इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करनी, रेक्टेंगल नहीं करनी, इस तरह नीचे से इसका को नोक बनाएंगे। ये देखें बिल्कुल, मैं अभी आप कटिंग करती हूँ तो आप देखें इस तरह, और इस तरह बाकी इसके गले के निशान के ऊपर से कटिंग कर लें। ये इसकी कटिंग कर ली हमने, अब इसको ओपन करके इसकी शर्ट का बैक साइड जो है इसके साथ हम अटैच करते हैं। बैक साइड की हमने कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ सेंटर के ऊपर इसका निशान लगा लेना है, बैक साइड का जो मिड है। ये फ्रंट हमने ओपन करके रख ली और इसके साथ इसके बैक का सिर्फ निशान लगा के इसके शोल्डर जो है वो अटैच कर लें। ये मैंने इसकी शोल्डर्स अटैच कर ली हैं। इन शोल्डर्स को अटैच करने के बाद ये मैंने पीछे वाली साइड की बिल्कुल कटिंग नहीं की वैसी, और मिड का मार्क लगाया हुआ है और इसको मैंने ओवरलॉक भी थोड़ा सा कर लिया ताकि इसके बाल निकले ना। अच्छा, इसको ये कॉलर की पट्टी बैंड पट्टी को अटैच करने के ना 3 तरीके हैं। आप सब डिफरेंट तरीके से लोग अटैच करते हैं इसको, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें। मैं तीनों आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसको जो जैसे आम बैंड अटैच करते हैं ना उस तरह अटैच कर ले, कि ये लेफ्ट साइड जो है ना इसको आप इसके साथ अटैच करें ऐसे, यहाँ से लेफ्ट साइड आप अटैच, मतलब लेफ्ट साइड नहीं सॉरी जो बैक साइड है, बैक साइड आप इस तरह अटैच करते जाएं। ये मैंने फैब्रिक जो है ये शर्ट जो है ना उल्टी सीधी साइड से इसको अटैच, अब इसको ऐसे करेंगे ना ऐसे तो ये पट्टी ऊपर वाली साइड पर आ जाएगी और इधर आप सिलाई लगा लेंगे बाद में, जैसे बैन अटैच करते हैं सारा ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है। और जो भी आपने अटैच करना शुरू करना है मिड से करना शुरू, ठीक, ये क्योंकि आपने इधर कर्व डाला हुआ है ना ऐसे, इसलिए ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपर आए। ये मिड से आपने जहाँ से निशान लगाया था ना वहाँ से आपने अटैच करना शुरू कर देना। ये देख लें एक दफ़ा दोबारा फिर, ताकि इधर से अटैच किया आपने, बैक साइड अटैच किया, जो बुकरम वाली साइड नहीं है उसको शर्ट की साइड के साथ अटैच कर दिया इस तरह, और इसको फिर पलट के सीधा कर लिया तो ये आपका आएगा। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा जो ये है कि आप इसकी जो है राइट साइड जो है ना जो बुकरम वाली साइड है, ये इसकी बुकरम वाली साइड है ना ये वाली, इसको आप अटैच कर लें ऐसे ऊपर रख के। देखें ये बुकरम वाली मैंने साइड अटैच की ऐसे कर ली, तो ये देखें ये सीधा आ जाएगा, इसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, और पीछे साइड पे जब इसको फोल्ड करेंगे तो इधर इसकी तरपाई कर लेंगे, ये पीछे वाली साइड को तरपाई से फिक्स कर देंगे, ये ऐसे अटैच हो जाएगा, इसमें ये फ्रंट के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। और इसके अलावा तीसरा और सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप इसको करें, ये अंदर जो फोल्डिंग की हुई है इसको खोल दें ऐसे, फोल्डिंग को खोलें सीधा, ठीक है, ऐसे हो गया वो कपड़ा। इस सिंपल कपड़े को आप ऐसे अटैच कर दें इसके साथ, दोनों पीसीस को पकड़ के ऐसे, ठीक, ये बिल्कुल ऐसे। जब आप ऐसे अटैच करेंगे ना तो ये होगा कि ये वाली साइड जो है इधर से ये धागे होंगे ना इसको आप ओवरलॉक कर सकते हैं, और ये सादा कपड़ा इस तरह अटैच हो जाएगा, इसमें भी ऊपर सिलाई नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये 3 तरीकों से आप अटैच कर सकते हैं। मैं वैसे जो अटैच करूंगी वो मैं ये करूंगी कि इसको मैं मिड से शुरू करूंगी, और इसकी जो बुकरम वाली साइड है ना ये वाली साइड इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, और बैक साइड पर इसकी तुरपाई कर लूंगी। इधर से मैंने अटैच किया, इसके साथ साथ बिल्कुल लेते हैं ना ऐसे, ये मैंने पिंस के साथ अटैच कर दिया। ये देखें ये बुकरम वाली साइड जो है सारी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, नीचे वाली सीधी वाली अंदर की साइड रख के इसको इधर से अटैच कर देंगे सारी। ये मैं दूसरी साइड से भी इस तरह अटैच करके आपको दिखाती हूँ, जब मैं इसे सिलाई लगा लूंगी तो ये पलट के जो ऐसे आ जाएगा ऐसे, ये इसके अंदर चला जाएगा, और फिर शर्ट को सीधी करके ये सीधी वाली साइड ही आ जाएगी।
ये मैं अभी आपको इधर से सिलाई लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं दूसरी सिलाई ऊपर से बाद में दिखाऊंगी। ये हमने इसको अटैच कर लिया, ये देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगाई बुकरम वाली साइड पे दोनों साइडों पे, और ये दरमियान से मैंने सिलाई शुरू करके दोनों साइडों पे लगाई। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ये इसकी सीधी साइड हो गई। अब इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे रख के, और ये इसके अंदर से इसको सिलाई को इस तरह फोल्ड करके इधर वाली साइड पे मैं इसके तरपाई कर दूंगी बैक साइड पे, ताकि इसकी सिलाई गुम हो जाए। और ये देखिए अंदर इसके ऊपर सिलाई कोई नहीं आई इसके, ना इस तरह इसकी सिलाई कर। और जो लेडीज कॉलर होता है उसकी राइट साइड जो है वो ऊपर होती है, आप हमेशा जो है ना इसकी राइट साइड ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब इसको बैक साइड से जहाँ पे हमने बुकरम लगाया था ना, वहां से मैं आपको बताती हूँ ये दोनों जो है कैसे आपने इसको फोल्ड करना है। ये मैंने ना इसकी तुरपाई कर लिया ताकि जो है इधर से आपको नीट हो लुक आ जाए और फिनिश करना आसान हो। और ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया था, इधर तक आपने जो है वो गला रखना है ओपन, और आगे इसके जो आपने करना है फोल्ड करना है। ये मैंने राइट साइड जो है ऊपर रख के लेफ्ट साइड के इधर मैंने पिन लगा लिया ताकि आपको पता चले कि ओवरलैप करना है इधर से, और नीचे से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएगा इस तरह, बिल्कुल पट्टी के ऊपर पट्टी आएगी नीचे। इसलिए पिन लगा लेते हैं ताकि आसानी से इसके ऊपर बाद में हम तरपाई करके इसको नीचे से जोड़ेंगे। अच्छा सर, ये और ये ऊपर जो ये पट्टियां होंगी दोनों, इसको आप नीचे से नीचे की तरफ कर लें, इधर अंदर कर दें ऐसे, और बैक साइड से देखें, बैक साइड से जहां हमने बुकरम लगाया था और इसका कट बनाया था, ये जो ट्रायंगल बनी थी ना उसके ऊपर इन दोनों पट्टियों का आप अच्छी तरह सीधा कर लें ऐसे। ये मैंने इधर इसको, ये जो ट्रायंगल कट की बनी थी ना इसके ऊपर हम बिल्कुल यहां सिलाई लगा लेंगे, यहां पे बिल्कुल यहाँ पे। या मैं आपको सिलाई लगाकर अब दिखाती हूँ, इधर से आप सिलाई लगाएंगे तो बैक वाली साइड से इधर से बिल्कुल फिनिश हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली, इस सिलाई को जरा आप पक्का कर लें, डबल सिलाई कर लें ताकि जो है यहाँ से निकले नहीं आपकी। और सीधी साइड पे देखें इसके, जब आप इसको सीधी साइड से देखेंगे तो बिल्कुल कोई भी इसके ऊपर सिलाई नजर नहीं आएगी सारे कॉलर के ऊपर आपको, और यहाँ से आपकी जो लुक है वो भी नीट और फिनिश लुक आएगी। अभी मैं इसको यहाँ तक जो है 7.5 इंच से नीचे तक जो है आपने इस पट्टी को ओवरलैप करके जो है वो सिलाई लगानी है। अगर आपका सेम कलर का कपड़ा है तो आप ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं। मेरा ये लाइनिंग का कपड़ा था, इसके ऊपर एक कलर की कोई भी मैं सिलाई लगाती तो वो नजर आती, इसीलिए इसको मैं नीचे से सुई तरपाई के साथ फोल्ड करके अच्छी तरह बिठा लूंगी ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई पट्टियाँ जुट जाएँ। ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखें कि कितना खूबसूरत और लग रहा है, नीट लग रहा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।